एक हादसा जो दो चार दिन पहले यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हुआ, एक बड़ा ही दुख का हादसा यहाँ पे हुआ, जिसमें हमारे इंडियन आर्मी के कुछ जवान शहीद हुए, जिसका हमें बहुत दुख है। लेकिन एक जो उससे भी बड़ी जो हमें एक बात में जब पता चला कि कुछ हमारे सिविलियंस जो है वो मारे गए, जो मैं समझता हूँ कि एक लापरवाही बरती गई, एक उस तरीके का व्यवहार किया गया जो मैं समझता हूँ एक सिविलाइजेशन है वहाँ पे नहीं होता है। लोगों को पिटाई की गई, दो तीन की जान चली गई, कुछ लोग इंजर्ड हो गए, और टेरर का ऐसा हालात देखें कि दो तीन दिन कुछ जो लड़के जिनको बहुत ज़्यादा लगी थी वो हॉस्पिटल में भी नहीं आए अपने आप को बताने के लिए। हम ऐसे वाक्य को कंडेम करते हैं। मैं पूरी की पूरी अपनी आर्मी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराता हूँ, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने हमारी आर्मी को बदनाम करने की कोशिश की है, मेरी यही गुजारिश है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन हो। जो एक FIR लगी है और प्लस आर्मी ने भी एक कोर्टल इंक्वायरी जो है इनिशिएट की है, मुझे उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से होम मिनिस्टर का डिफेंस मिनिस्टर का जो राजनाथ जी उनका जो विज़िट आज यहाँ पीर पंजाल रेंज में हुआ है, मुझे इससे लगता है कि गवर्नमेंट सिंसियर है कि लोगों के साथ जो है इंसाफ हो। मैं साथ साथ डिमांड करता हूँ कि जिन लोगों की जान गई है उनको 50-50 लाख कंपनसेशन, घर में एक एक नौकरी, और जो इंजर्ड है उनको कम से कम 5-5 लाख रुपए जो है यहाँ पे दिया जाए। मौके पे हमारे जो खास करके तंजीम के जो साथी थे, जिसमें बुखारी साहब और ताज बुजार साहब, तारक मनाज साहब, ये अपनी टीम लेके मौके पे उसी वक्त वहाँ पे जो है जहाँ तक इनको जाने की इजाज़त मिली ये गए वहाँ पे, इन्होंने उनके दुख में उनके साथ में रहे। आज हम यहाँ पे अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, फारूक साहब की तरफ से, उमर साहब की तरफ से अफसोस करते हैं उन फैमिलीज़ के साथ जिनके घरों के लोगों की जानें गई, और यही उम्मीद करते हैं कि जो लोग इंजर्ड हैं जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और इस रियासत में खास करके पुंछ रजौरी एक ऐसा इलाका है जिन्होंने लोगों ने हमेशा बॉर्डर पर लड़ाई लड़ी, आज तक जितनी जंगें हुई आर्मी के साथ हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, वो कोई भी खा वो पाकिस्तान के साथ हो कहीं भी हो, और कुर्बानियाँ दी। और आज मैं समझता हूँ कि वो ये एक साजिश की गई है कि जो पूंछ रजौरी का भाईचारा है उसको तोड़ने की साजिश की गई है। मैं ये समझता हूँ कि सख्त टूल के साथ जो है गवर्नमेंट को इस पर एक्ट करना चाहिए, ताकि दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, और लोगों को फिर से अपनी फौज पे, अपनी पुलिस पे और उन पर यकीन हो, और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे यकीन हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।